Hello guys, me is SK Mishra and welcome you all in this amazing session of lecture 2 optics on your YouTube channel Mahindra's Private Limited. Guys, today we are going to discuss about chapter light of class 10th CBSE जो कि हम पहला लेक्चर देख चुके हैं. आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लंबा लेक्चर है जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लेन मिरर. आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर. व्हाट इज प्लेन मिरर, हाउ इमेजेस आर फॉर्म एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. ठीक है, ये सारी बातें आज हम सेकंड लेक्चर में करेंगे. और जिन्होंने अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1, तो यूट्यूब पे जाइए और टाइप कीजिए लाइट लेक्चर 1 mahindras.skmishra. ठीक, और वहां से आप फर्स्ट लेक्चर पहले देखिए जिसमें हमने इस चैप्टर के फुल इंट्रोडक्शन दिया है. उसके बाद आप जब ये लेक्चर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज प्लेन मिरर. व्हाट इज प्लेन मिरर, आखिर प्लेन मिरर होता क्या है. ठीक है, तो देखिए प्लेन मिरर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हम एक ले लेते हैं ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेते हैं, जैसे कि हमारे गाड़ियों की खिड़की होता है, शीशे जो होते हैं, और जैसे हमारे घरों की खिड़की में जो ग्लास लगे होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो एक ग्लास ले लेते हैं. अब यहां से एक साइड से हम इस पे अगर लाइट देते हैं तो लाइट क्या होगा, दूसरी साइड में चला जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक साइड से कोटिंग करनी होगी. एक साइड से हम इसको क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, पेंट कर देंगे. और जब हम इसको पेंट कर देते हैं तो ये क्या बन गया, ओपेक सरफेस. क्या बना, ओपेक सरफेस. अब यहां से अगर लाइट आएगा तो लाइट इस पे टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा. जब लाइट आएगा तो इस पे टकराएगा, लाइट आया टकराया और टकराने के बाद इधर क्या होगा, वापस चला जाएगा. इस एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट. ये क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि लाइट कहां आ रहा है, मिरर की ओर आ रहा है. और ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है कि मिरर से निकल रहा है. ठीक है, तो इस तरीके का जो सर्फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर. क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर को सिंपली हम लोग बोल सकते हैं अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. ठीक है, जब ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम लोग कोट कर दिया तो वो जो हम लोगों को नया मेटेरियल मिला डेट इज कॉल्ड प्लेन मिरर. ठीक है, तो प्लेन मिरर को अगर कोई डिफाइन करने बोला तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्लेन मिरर इज अ सरफेस, क्या, फ्लैट सरफेस जिसपे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, डेट इज कॉल्ड प्लेन मिरर. तो आइए हम लोग देखते हैं. हम लोग बोलेंगे कि अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोटेड विथ सिल्वर और पेंट. सिल्वर और पेंट से एक साइड को, है ना, पेंट ऑन वन साइड. तो एक साइड में जब हम लोग पेंट करते हैं तो दूसरा साइड क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग साइड. तो हम इस स्ट्रक्चर को अगर बोलना चाहें तो बोल देंगे कि ये है क्या, तो ये है प्लेन मिरर. ये है हमारा प्लेन मिरर जिसमें ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, इस साइड को बोलते हैं कोटेड साइड. कोटेड साइड, और या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटेड साइड. हमारा जो ये वाला सरफेस है जिस सरफेस पर लाइट आ रहा है और बाउंस बैक हो रहा है, दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग साइड. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा है क्या, प्लेन मिरर. अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि आखिर इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं और उस इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है. ठीक है, तो हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं कि इमेज कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, मतलब प्लेन मिरर से हम लोग इमेज कैसे बनाते हैं.
आखिर प्लेन मिरर का एग्जांपल का बात आया कि प्लेन मिरर तो समझ गए कि होता क्या है, अब प्लेन मिरर का एग्जांपल, तो जो हम लुकिंग ग्लास अपने घरों में यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट प्लेन मिरर, वो होता क्या है, प्लेन मिरर। अब हम यहां पे देखेंगे कि प्लेन मिरर से आखिर इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, है ना। तो हम यहां पे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन दो केस देखेंगे, कितने केस देखेंगे, दो केस। एक केस में हम बात करेंगे कि इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, जैसे एक डॉट बना देते हैं यहां पर, और इस डॉट का कैसा इमेज बनेगा प्लेन मिरर के सामने, है ना। और दूसरा बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि उससे कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट हो, दैट मीन्स कि हम मार्कर इसको हम अगर बात करें कि इसके सामने लेकर के जाते तो आखिर इसका इमेज कैसे बनेगा, इस पे कुछ लेंथ है, इसका कुछ हाइट वगैरह सारा कुछ है, बट क्या डॉट के पास है कुछ नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। और इस तरीके का जिसके पास कुछ लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, थिकनेस होता है ना, तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग, हमारा कुछ हाइट है, ब्रेथ है, लेंथ है ना, तो हम अपने आप को क्या बोले, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे दो केस बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, पहला होगा हमारा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट केस, केस नंबर वन। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, तो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखते हैं, एक मान लेते हैं इस तरीके से एक ग्लास लिया, एक क्या लिया, ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम क्या करते हैं, एक साइड से कोट कर देते हैं, एक साइड से हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट ग्लास की कोटिंग की। अब इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, लेट से ये पॉइंट आया, ठीक है। अब पॉइंट से क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस तरीके का कोई एक सरफेस होता है, इसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ द मिरर। तो यहां भी कुछ इसका नॉर्मल होगा, और हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि नॉर्मल के थ्रू, नॉर्मल के डायरेक्शन में जब लाइट आती है और कोई मिरर पे टकराती है तो वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। तो यहां से नॉर्मल इसका क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन इसका नॉर्मल, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री बना रहा है। अब इस पॉइंट से जब कोई रे निकलेगा, इस पॉइंट से जब कोई रे निकलेगा तो रे क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, इस पे टकराया, ये डायरेक्शन हुआ, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, वापस आ जाएगा। ये जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। एक और हम बात करते हैं कि यहां से एक और रे मान लेते हैं निकला, लेट्स से यहां से एक और रे इस डायरेक्शन में गया। अब इस मिरर पे क्या एक ही जगह नॉर्मल होगा क्या, नहीं, इनफाइनाइट नॉर्मल्स होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात किया है इस बारे में कि एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां भी मान लेते हैं कोई एक लेट्स से नॉर्मल है जो कि सरफेस से नॉर्मल है। अब ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट से निकला हुआ लाइट जब मिरर पर पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और ये नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों कुछ एंगल बनाते हैं जिसको आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां पे जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से लाइट क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, और जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या एक और रे ले सकते हैं, इतना सभी बन जाएगा। मिनिमम किसी भी रे डायग्राम को, ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम अगर बनाना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है कि इमेज कैसा बन रहा है वो, तो मिनिमम कितने रे चाहिए, दो रे। तो हमारे पास तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, बन जाएगा, बट एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक और क्या ले लेते हैं, या फिर इतना ही हम लोग करके देखते हैं कि क्या, देखिए अब जिस तरीके से यहां पे हुआ तो हम क्या बोलते हैं कि कहीं रे कट करते हुए दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर में हम आगे की ओर देखेंगे कि इमेज कहां बनता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है जहां पर दो रे कट करते हैं, जैसे यहां पे कट किया तो यहां पे इमेज बनेगा। अब एक रे तो इधर गया और वो वापस इस डायरेक्शन में, तो ये अगर ये आया तो इधर आएगा और दूसरा ये इधर जा रहा है, तो क्या कहीं कट कर रहा है दोनों, नहीं, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो कहीं कट नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, क्या करने होंगे, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे। जैसे कि हम इसको इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, इस डायरेक्शन पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है,
और दूसरा जो कि ये इधर जा रहा था, तो हम मान के चलते हैं ये कहीं ना कहीं मिरर के पीछे से आ रहा होगा। क्या मानते हैं कि ये कहां से आ रहा होगा? मिरर के कहीं पीछे से इस तरीके से निकल करके आगे जा रहा होगा, है ना? तो हम इसको भी पीछे क्यों इस तरीके से एक्सटेंड कर दिए? डॉटेड लाइन बता रहा है कि एक्चुअल में मिरर के अंदर नहीं गया, ये एक्चुअल में मिरर के अंदर नहीं गया है, ये लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इधर और ये इधर, तो कहीं ना कहीं यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा, ये भी रे कहीं पीछे मिल गया और ये भी रे कहीं पीछे मिल गया, और जिस पॉइंट पे मिला वही तो बोलते हैं इमेज बनता है ना। तो ये पॉइंट साइज जो ऑब्जेक्ट था, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज हमारा कहीं यहां मिला। समझ गए बात? सबसे पहले हमने बात किया क्या केस वन, जिसमें ऑब्जेक्ट कैसा था, पॉइंट साइज का था, जिसमें मिनिमम रे डायग्राम उसका बनाने के लिए मिनिमम दो रे चाहिए थे। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मिरर के सरफेस से परपेंडिकुलर गया, तो हमने पढ़ा है कि मिरर के परपेंडिकुलर जो भी रे जाता है वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो एक रे को हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजे जो कि वापस आया इसी पाथ पे, दूसरा एक कुछ एंगल आई बना करके जा रहा था तो एंगल आर के थ्रू वो निकल गया, और अब देख रहे हैं क्या कि ये एक इधर जा रहा है किधर, तो कहीं ना कहीं मिलने वाला ये है नहीं, तो हम मानते हैं क्या कि ये कहीं पीछे से आ रहा होगा। जैसे ये ऐसे इस जा रहा होगा, तो अगर हम इस तरीके से अपने हाथ को पीछे की ओर लेकर के जाते तो लग रहा है किधर मिल रहा होगा, लेकिन मिरर के पीछे, तो क्या मिरर के पीछे एक्चुअल में मिलता है? नहीं, अगर एक्चुअल में मिलता तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते, बट यहाँ पे डॉटेड दिखा है, दैट मींस कि क्या एक्चुअल कटिंग नहीं हो रही है, हमने वैसा माना है कि हो रही होगी। ठीक है, तो मिरर के पीछे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किए और देखे क्या कि जहां पर ये दोनों लाइन कट करते हैं वही क्या बना, इमेज बना। ठीक है, सो यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं क्या सेकेंड केस, सेकेंड केस में बात करेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हाउ इमेज फॉर्मेशन इज डन बाय अ प्लेन मिरर। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज आखिर प्लेन मिरर कैसे बनाता है, उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। सो अब हमारा आएगा केस नंबर टू। ठीक है, एक बात करते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं क्या प्लेन मिरर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, इसको क्या कर दिए, कोटिंग कर दिए। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को जब कोटिंग करते हैं तो वो क्या बन गया, प्लेन मिरर। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक्सटेंडेड का बात किए थे, जिसका कुछ हाइट होगा, इसका कुछ एच हाइट है। ठीक है, इसका मान लेते हैं कुछ एच हाइट है। ठीक है, इसका ए से देखा जाता है हेड और बी फॉर इसका टेल, है ना? तो ए और बी एक ऑब्जेक्ट है जिसका एच हाइट है, कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर के सामने इसको रखा है। अब देखते हैं इसका इमेज कैसे बनता है। तो एक यहाँ पे ये नॉर्मल है, मिरर के थ्रू ये रहा इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रे जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस आता है। सो यहां से एक रे इस तरीके से गया, जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, वापस लौट आया। ठीक है, दूसरा केस हम बात करते हैं क्या कि एक यहां से गया और क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देख रहे हैं क्या कि दोनों इधर जो आ रहा है क्या कहीं मिल रहा है, नहीं। अब देखेंगे पीछे रे मिलेगा, पीछे भी रे मिल रहा है, तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगा भाई। तो देखते हैं, एक यहां से रे निकलेगा इसके हेड से और इस तरीके से ये यहां पर आएगा। थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि ये क्या है, मिरर से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, है ना? तो यहां से एक रे आया और इस पॉइंट पे पड़ता है मिरर पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये रहा इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पे पड़ा, जो एंगल आई बना के आएगा। क्यों एंगल आई, क्योंकि ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा नॉर्मल, और इंसिडेंट के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल आई बना के आया तो था, अब क्या करेगा, ये एंगल आर बना के वापस चला जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर बना करके ये क्या हुआ, वापस चला गया। उसी तरीके से एक रे यहां से निकलेगा जो कि यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ये रहा नॉर्मल तो ये बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये क्या करेगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये कहीं मिल तो नहीं रहा, तो पहला रे हमने ये लिया था तो इसको कहीं पीछे की ओर एक्सटेंड करके देखते हैं कहीं मिल रहा है क्या। ठीक है,
उसी तरीके से ये वाले नॉर्मल को पीछे की ओर एक्सटेंड करके देखते हैं, ये कहीं मिले शायद, ये भी नहीं मिला। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं, इसको जरा सा पीछे की ओर एक्सटेंड करके देखते हैं, कहीं मिल जाए शायद। हाँ यहां मिला, यहां मिला, इसका मतलब क्या, इसका हेड तो यहां पे बनेगा, ये तो श्योर हो गए। तो क्या इसका केवल हेड से काम चलेगा, ये देखिए इस तरीके से, ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका टेल, तो यहां भी बनना चाहिए, तो यहां पे इसका हेड और नीचे इसका टेल बनना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब ये वाले रे को भी हम लोग इस तरीके से कहीं पीछे की ओर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे कोई बोलेंगे क्या, अब बोलिए कि यहां पे इमेज बनेगा, क्योंकि दो रे तो बोले थे ना कि दो रे जहां कट करती है वही इमेज बनती है, तो यहां कट किया, इसका मतलब यही बनना चाहिए, आप ऐसा सोच रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यहां कट कर रहा है तो क्या आप सोच रहे हैं कि यही बनेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमने कुल यहां पे कितने रे लिए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, चार, एक ये जो कि वापस आया, एक ये जो कि वापस आया, और एक ये जो कि इधर गया, और एक ये जो कि इधर गया, तो कुल कितने लिए थे, चार। यहां पे कटिंग कितने की हो रही है, मात्र दो की। तो कहीं ऐसा पॉइंट खोजिए, ढूंढिए इसमें कि जहां चार रे कट कर रही हो, यही देखिए, एक पॉइंट ये कटा और ये दूसरा, तो यहां पे कितना कटा, दो पॉइंट, एक ये और ये दो पॉइंट, कुल मिला के कितने हुए, चार, काम हुआ। देखिए अब यहां पर हम इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये रहा हमारा इमेज, हाइट ए डैश बी डैश, ए डैश फॉर इमेज का ए, ऑब्जेक्ट का जो ए पॉइंट था वो इमेज का ए पॉइंट बना, जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी था जो उसका टेल था वो बना इमेज का पॉइंट बी, दैट इज टेल ऑफ इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हुआ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन, कि आखिर प्लेन मिरर के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर हम जाकर के इसके सामने खड़े हो जाए तो आखिर हमारा इमेज कैसा बनता है, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये है हमारा क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे पूरे इस चैप्टर में। ये क्या है हमारा, इमेज, जिसको कि हम लोग पूरे चैप्टर में आई से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और मिरर, यहां से जो डिस्टेंस हमारे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल देंगे यू, क्या बोल रहे हैं, यू। और जो मिरर और इमेज के बीच में डिस्टेंस है उसको बोल देते हैं वी। तो यहां पर यू जो है, यू इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद बात करते हैं वी, वी इज फॉर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यू कहीं भी आपको लाइट के पूरे चैप्टर में मिलता है तो यू का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, V का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस मिरर से। अब देखिए यहां पर ये था हाइट, किसका हाइट था, ऑब्जेक्ट का, तो यहां पर जो ये हाइट होगा ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें को आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने देखा क्या कि प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर को डिफाइन किया कि एक फ्लैट सर्फेस जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। उसके बाद हमने देखा कि प्लेन मिरर में आखिर इमेजेस कैसे बनते हैं, दो केस देखा, एक में पॉइंट का साइज का ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है और दूसरा एक्सटेंडेड का। तो दोनों केस में बाय ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसका इमेज भी कैसा बनता था, पॉइंट, एक्सटेंडेड जैसा है उसी तरीके से इसका बन रहा है क्या, एक्सटेंडेड। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा ये जो साइज है क्या है, सेम है। जैसे हम मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, जब हम क्या होते हैं, मिरर के सामने जब अपने घरों में खड़े होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम एकदम पूरा बड़ा इमेज दिखाई देता है जो कि लगता है कि अब पूरा बड़ा है, विशाल है। या फिर ऐसा तो नहीं होता कि मिरर के सामने खड़े होते तो हमारा इमेज या इतना छोटा दिखाई देता हो, नहीं। क्या हम मिरर के सामने खुद को देखते हैं तो क्या लगता है कि हम एक्चुअल साइज के हैं, ठीक है। वो मिरर कैसा होना चाहिए, प्लेन मिरर, अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर के सामने जो हमारा लुकिंग ग्लास है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसके सामने जब खड़े होते हैं तो क्या लगता है कि हमारा जो इमेज उसके अंदर में बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, क्या बन रहा है, सेम साइज।
अच्छा आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जितने दूरी पे आप मान लीजिए ये हाथ इस तरीके से खींचिए और मिरर के सामने खड़े हो जाइए, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होइए तो देखिएगा कि आपका मिरर के अंदर में जो इमेज बन रहा है वो भी इस तरीके से हाथ किए हुए है और इतना ही डिस्टेंस पे अंदर की ओर बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि यू जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, वी के, दैट इज इमेज के डिस्टेंस। जितने दूर हम मिरर के बाहर खड़े होते हैं उतना ही दूर मिरर के अंदर हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो दो बात समझ में आया क्या कि हाइट दोनों का सेम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, हाइट जितना बड़ा 5 फीट का ऑब्जेक्ट है तो 5 फीट का इमेज बनेगा। सेकंड केस समझ में आया कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलर होता है। तीसरा केस हम लोग बोलेंगे कि क्या ये रे एक्चुअल में पीछे कट कर रहा है, ये दोनों तो देखिए इस तरीके से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या एक्चुअल में कहीं कट कर रहा है, लग रहा है कि कट कर रहा होगा, हम ऐसा लगता है हमें कि अंदर कहीं कट कर रहा होगा क्योंकि पीछे इमेज बनता है। तो हम पीछे की ओर कंस्ट्रक्शन किए, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन, इसका मतलब एक्चुअल में कट नहीं कर रहा, और जो एक्चुअल में कट नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब है वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कि मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं, हमारा मिरर में इमेज बन गया, अब एक कार्डबोर्ड लेकर के जाते हैं और इस तरीके से पकड़ के खड़े होते हैं, क्या जो इमेज हमारा मिरर के अंदर बना है वो उस कार्डबोर्ड पे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्या समझे, नहीं समझे। एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये रहा हमारा कार्डबोर्ड, ठीक है, हम क्या है हम मिरर के सामने खड़े हो गए, मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो उधर से हमारा मिरर के अंदर भी इमेज बना। अब हम इस तरीके से एक कार्डबोर्ड लेकर खड़े हो जाए, क्या वो इमेज हमारा इस पे दिखाई देगा, कोई इधर साइड से खड़ा हो और देखे कह रहे इस पे भी तुम्हारा इमेज दिखाई दे रहा है, क्या एक पॉसिबल है, नहीं। कहने का मतलब है जो प्लेन मिरर हमारा इमेज बनाता है वो इमेज हम एक कार्डबोर्ड पे एक स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते, जैसे फिल्म दिखाया जाता है टीवी पे जो दिखाया जा रहा है, तो हमारा इमेज उस तरीके का टीवी पे और वो स्क्रीन पे नहीं आ सकता, तो वैसे इमेज को ही बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। उसके अलावा आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने अगर खड़े हुए तो हम जब अपना राइट हैंड को रेज करते हैं तो हमारा उस इमेज के अंदर क्या दिखाई देता है कि लेफ्ट हैंड रेज हो रहा है, जब अपने लेफ्ट हैंड को रेज करते हैं तो क्या दिखाई देता है, राइट हैंड रेज, ठीक है। कोई उसके सामने लेटर लिखा हुआ अगर हम लेकर के जा रहे हैं, लेट से ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो सी इस तरीके से लिखा रहेगा तो वो उधर जाकर के उल्टा दिखाई देगा, तो ये भी पॉसिबल होता है प्लेन मिरर के केस में। मतलब प्लेन मिरर क्या करता है, लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट दिखाता है, टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप नहीं दिखाता, क्या दिखाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम मिरर के सामने जाकर के खड़े हुए तो हमारा सर इस तरीके से या उल्टा हो गया कि सर नीचे चला गया पैर ऊपर चला गया, ऐसा तो होता नहीं है, बट ये होता है कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है ना। तो उस फिनोमिनन को मिरर का एक प्रॉपर्टी है कि वो लेफ्ट के राइट में दिखाता है और राइट वाली साइड को लेफ्ट में दिखाता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, और इमेज को बोलते हैं इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस पे जो लिखा हुआ रहता है वो AMBU, जो उसका वो एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो क्या रहता है, उल्टा लिखा हुआ रहता है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या देखेंगे, कुछ उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्लेन मिरर क्या करता है, उल्टा इमेज बनाता है। मान लीजिए किसी गाड़ी में प्लेन मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर तो ऐसे लगा नहीं होता है, बट मान लेते हैं कहीं प्लेन मिरर लगा हुआ है और अगर हम उस पर सीधा लिखते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, कह रहे यार दिखा क्या रहा है, है ना, तो इसीलिए पहले से उल्टा लिख करके रखते हैं ताकि वो क्या दिखाए, सीधा लिखा, क्या समझ में आया, मतलब जो सीधा जो कोई भी चीज रहता है तो उसको क्या दिखाता है, उल्टा, लेफ्ट का राइट दिखाता है, राइट का लेफ्ट दिखा देता है, बात समझ में आ रहा। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि उल्टा हम लोग लिखते ही है ताकि वो मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद क्या दिखाई दे, सीधा दिखाई, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्लेन मिरर। अब हम यहां पे बात करेंगे कि प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये इमेज बना तो इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट हम इस पे बात कर रहे हैं पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. देखिए फर्स्ट इमेज क्या होता है कि सेम साइज का होता है. तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज का क्या होता है इमेज भी होता है. इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज यू इज इक्वल्स टू वी. यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है इमेज के डिस्टेंस के. ठीक है. थर्ड इमेज क्या होता है वर्चुअल क्योंकि एक्चुअल में कटिंग हो नहीं रही है तो क्या बनता है वर्चुअल. ठीक है. इमेज कैसा बनता है वर्चुअल. सो इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट. सीधा है ना इसका हेड ऊपर है टेल नीचे है तो कहने का मतलब इरेक्ट का मतलब सीधा वर्चुअल का मतलब जो एक्चुअल ना हो जिसको हम स्क्रीन पे कास्ट ना कर सके. इसके अलावा इमेज जो क्या होता है लैटरली इन्वर्टेड. इमेज क्या होता है लैटरली इन्वर्टेड होता है. तो चार कैरेक्टरिस्टिक हमें याद रखना है. इमेज इज ऑफ सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज बनेगा. दूसरा इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे बनता है एट इक्वल डिस्टेंस. डिस्टेंस इक्वल रहता है जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है दैट मींस कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतना ही डिस्टेंस पे अंदर में क्या होता है इमेज बनता है. थर्ड वर्चुअल होता है एक्चुअल में नहीं होता इमेज नहीं बनता उसको स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते. और क्या होता है इरेक्ट होता है हम उसके सामने खड़े हो तो हमारा सर ऊपर ही इमेज में भी दिखाई देगा ऐसा नहीं है कि हाँ उल्टा हो. उसके बाद फोर्थ लैटरली इन्वर्टेड. लैटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट. तो यहां पे देख लेते हैं कि लैटरल इन्वर्जन होता क्या है. लैटरल कई बार एक मार्क से क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन. तो हल्का सा देख लेते हैं. फिनोमिनन इन विच there is interchange of sides of object in its image. जहां पर क्या होता है ऑब्जेक्ट के साइड में इंटरचेंज होते हैं. ऑब्जेक्ट के साइड में क्या हो जाते हैं इंटर चेंज हो जाता है. मतलब लेफ्ट का राइट साइड दिखाई देता है और राइट साइड का क्या दिखाई देता है लेफ्ट साइड. उस फिनोमिनन को ही बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. क्या बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. सो अभी तक हम इस लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हमने बात क्या किया हमने बात किया कि प्लेन मिरर होता क्या है. प्लेन मिरर के हमने देखे कुछ इमेज जो कि दो केस देखा एक पॉइंट साइज का और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमने देखा कि इमेज जो बना उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक में कुछ चार कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने है. उसके बाद हमने देखा कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है. लैटरल इन्वर्जन का मतलब लेफ्ट साइड का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना. ये जो फिनोमिनन हुआ पूरा प्रोसेस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन. ठीक है. अब इसके जो ये लेक्चर हुआ हमारा इसका नोट्स आप हमारे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. और इसके अलावा आप इसका थर्ड लेक्चर के लिए अभी वेट कीजिए. और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हिट द रेड बटन एंड कीप शेयरिंग इट. सो थैंक्स और
नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते हैं।